राम का तो ये देश है, तो राम नहीं आएंगे तो यहाँ को और कोई आएगा यहाँ पे? कश्मीर हमारे देश का ऐसा मुद्दा था जहाँ आए दिन आतंकवादी हमले होते थे, हरा झंडा लहरा रहा होता तिरंगा हटा करके, और टूरिज्म तो वहाँ जीरो पे था। आज उस गंभीर मुद्दे को दो स्किंट में मोदी सरकार ने खत्म कर दिया, जिसको 60 से 65 साल के कार्यकाल में कांग्रेस खत्म नहीं कर पाई। ये गठबंधन नहीं है, ये सब अपने अपने बंधन है, ये अपनी अपनी पराठे रोटी सेक रहे हैं, कोई पराठे सेक रहा है, कोई पूरी सेक रहा है, कोई रोटी सेक रहा है। आज वो पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पे बम फेंकता था, आतंकवादी घटनाएं कराता था, आज उसकी औकात बिजली बम फोड़ने की नहीं छोड़ी मोदी सरकार ने, तो क्यों उसको वोट नहीं देंगे? राम का तो ये देश है, तो राम नहीं आएंगे तो यहाँ को और कोई आएगा यहाँ पे? दूसरा पुतिन जैसा पावरफुल लीडर कह रहा है, भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो डंके की चोट पे फैसला लेता और किसी से नहीं डरता। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंस्टा फीड और मैं हूँ शिवराज पूत आपके साथ सीपी से। आज हम लोग मौजूद हैं जनता के बीच सीपी में बात करने के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों को लेकर। देखना ये होगा कि 2024 में बीजेपी को वोट जाएगा या कांग्रेस को, और अगर बीजेपी को तो आखिर किस काम पर, या काम के नाम पर या राम के नाम पर। आइए करते हैं जनता से बात। नमस्कार जी, आपका शुभ नाम? हमारा नाम मोनू नाम है। क्या लग रहा है आपको 2024 के लोकसभा चुनावों को, क्या देख रहे हैं उसको? बीजेपी को भाजपा को। हाँ जी, कोई मुख्य कारण बीजेपी का? मुख्य कारण 10 साल में 15 साल में भी देख नहीं रहे कितना विकास हो रहा है जी। 370 हटा दी, 3 तलाक हटा दिए, राम मंदिर बना दिया है, पाकिस्तान को भूखा मार दिया और चाइना को घुटने पे टिका दिया, ठीक है, और क्या कहते हैं, वर्ल्ड में झंडा गाड़ दिया, और देश में कितना विकास कर रहे हैं ये तो जनता ही जान रही है। लेकिन जनता कहना है कि देश के अंदर तो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, कर्जा बढ़ता जा रहा है देश के ऊपर। ये सब विपक्ष की बातें, ये सब विपक्ष करके गया है, बेरोजगारी भी विपक्ष करके गया है और रोजगार भी विपक्ष खोके गया है। हाँ, बिल्कुल। तो मोदी जी भी तो हैं 10 साल से पिछले, तो मोदी जी 10 साल में तो बेजगर ये रोका, इन चीज पे कंट्रोलिंग हुई है, इन चीजों पे सब पे। अच्छा, हाँ जी। तो फिर मतलब बीजेपी आ जाएगी इस बार? ये जो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं 28 दलवा गठबंधन है, न्याय यात्रा पे निकला हुआ है। ये गठबंधन नहीं है, ये सब अपने अपने बंधन है, ये अपनी अपनी पराठे रोटी सेक रहे हैं, कोई पराठे सेक रहा है, कोई पूरी सेक रहा है, कोई रोटी सेक रहा है, भाई ये और गठबंधन कुछ नहीं, सब भाग तो रहे हैं अलग अलग, कोई इधर को भाग रहा है, कोई इधर को भाग रहा है, कांग्रेस अलग भाग रही है और JDU अलग भाग रही है, आम आदमी अलग भाग रही है, ममता बनर्जी अलग भाग रही है, सब भाग रहे हैं, कोई नहीं आ रहा गठबंधन में। अच्छा, हाँ जी। क्यों लगता है आपको, लेकिन ये लोग कह रहे हैं कि हम मिलकर मोदी जी को हरा देंगे? ये मोदी जी का कुछ भी नहीं कर पाएंगे, कुछ भी, चाहे अलग हो जाए तो सही और एक हो जाए तो सही, कुछ नहीं कर पाएंगे ये भाजपा का मोदी जी का। ऐसा क्यों लग रहा है आपको, मतलब कुछ काम है? विकास हुआ है, हाँ विकास हुआ है, काम हुआ है देश में, कुछ काम बताइए। 370 राम मंदिर तो चलिए हो गया, इससे हटके कुछ काम बता दीजिए जनता। इससे हटके काम बता दें? अच्छा बताते हैं भाई, इससे हटके काम हुए नहीं है, इसकी इतनी सुरक्षा व्यवस्था हुई है, भारत में ये लड़ाई हो रही है ये UK में और उसमें भारत का झंडा लगा के निकल रहे लोग, क्यों निकल रहे हैं, ये काम नहीं है, हैं? नहीं तो वहीं जनता मार दी जाती हिंदुस्तान की। तो यानी क्या कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे जो है भारत का नाम हुआ है, भारत का दबदबा बना है। कितने हाईवे बने, कितने रोड बने, कितने विकास हो रहे हैं और ये विकास की धारा नहीं बह रही है, कितने रोजगार चालू होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में, देखो सब बहुत रोजगार है भैया, बहुत रोजगार है, करने वालों की कमी है। हाँ, लेकिन कई लोग ये भी कहते हैं कि मोदी जी 24 में सिर्फ राम के नाम पर आने वाले हैं, काम के नाम पर। राम का तो ये देश है, तो राम नहीं आएंगे तो यहाँ को और कोई आएगा यहाँ पे? राम नहीं आएंगे तो कौन आएगा यहाँ पे? तो वो चीज़ें, ये तो विपक्ष की बातें हैं जनता को भड़काने के लिए। मैं जनता से यही कहूँगा कि भड़के ना बिल्कुल भी भैया, विपक्ष कुछ भी करा सकता है, जनता होशियार रहे और समझदार रहे। तो आप क्या लग रहा है, राम के नाम पर वोट नहीं ले रहे मोदी जी? बिल्कुल भी नहीं, काम के नाम पे, राम पे नाम पे नहीं, काम के नाम पे वोट ले रहे वो, काम किया। आप कुछ भी बोल करके मोदी जी को कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन देश के बारे में आप गलत नहीं बोल सकते। ये तो मुद्दे से भटकने की बात हो गई, मुद्दे पर आते हैं वापस। मुद्दा था 24 को लेकर कि क्या 24 में बीजेपी सरकार को अगर वोट मिलेंगे तो राम के नाम पर मिल रहा है, काम के नाम पर मिल रहा है? काम के नाम पर भी मिलेंगे, काम के नाम पर भी मिलेंगे, जरूरी थोड़ी ना। अब ये मुद्दा विपक्ष ने बना रखा है कि राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक था, वो बना, हम खुश हैं, और जो खुश है उनके घरों में भगवे लहरा रहे हैं उनका पता चल जाता है। साथ में 14 लेन के एक्सप्रेसवे जो बना करके दिए मोदी सरकार ने, उसके लिए नहीं देंगे। हरिद्वार जैसी ऐसी जगह जहाँ हर बंदा जाना ही चाहेगा, हर दुख हो चाहे सुख हो,
आठ आठ घंटे का सफर ढाई तीन घंटे का कर दिया, तो उसके नाम पे वोट नहीं देंगे। कश्मीर हमारे देश का ऐसा मुद्दा था जहां आए दिन आतंकवादी हमले होते थे, हरा झंडा लहरा रहा होता तिरंगा हटा करके, और टूरिज्म तो वहाँ जीरो पे था। आज उस गंभीर मुद्दे को दो स्किंट में मोदी सरकार ने खत्म कर दिया, जिसको 60 से 65 साल के कार्यकाल में कांग्रेस खत्म नहीं कर पाई। ठीक है जी, वहाँ पर ही था चाइना, जिसको हम अपना शौर्य मानते हैं। अभी भी ये वीर जवान यहाँ खड़े हैं हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए। जब इनको पत्थर मारे जा रहे थे, तो शायद ही कोई सनातनी हिंदू या देशवासी जो राष्ट्र का सोचने वाला होगा, जिसकी आत्मा नहीं दुखी होगी, आज वो पत्थरबाज गायब हो गए। तो क्या मोदी को वोट नहीं पड़ेगा? साइकिल तक नहीं चल सकती थी, इतने आतंकवादी हमले वहां होते थे। आज जम्मू से कश्मीर श्रीनगर तक ट्रेन चला दी उस इंसान ने, तो क्या मोदी को वोट नहीं डालेंगे? कांग्रेस कार्यकाल के अंदर हमारे को 25 शताब्दी ट्रेनें दी गई थी, 26वीं नहीं दे पाए वो, जो रोना रोते हैं कि हमने रेल दी, पटरियां भी अंग्रेज बिछा गए, इन्होंने पटरी बिछाने का भी कार्य नहीं किया था। आज वंदे भारत दौड़ रही है 75 भारत के अंदर, तो क्या मोदी को वोट नहीं देंगे? इन्होंने अपने 60 से 65 साल के कार्यकाल में सिर्फ एक एम्स दिया था भारत को, जिसका ये आज तक रोना रोते हैं। अटल बिहारी जी ने 6 एम्स का शिलान्यास किया था, मोदी जी ने 16 एम्स का शिलान्यास किया, तो क्या इस काम के लिए मोदी जी को वोट नहीं देंगे? ठीक है जी, उसके बाद जहां झुग्गी वहां मकान, ये सारी जिंदगी रोना रोते रहे गरीबी हटाएंगे, गरीबी नहीं हटाई, गरीबों को हटाया इन्होंने। उन्होंने जहां झुग्गी वहां मकान दिया, उज्ज्वला योजना दी, स्वास्थ्य योजना दी आयुष्मान के तहत, बेटियों के लिए इन्होंने योजनाएं दी, जिनका भैया बचपन में जिसके घर बेटी है वो उसको पता डाक पे वो कर, सुकन्या योजना, तो ऐसी कई योजना ही। और मैं ये भी एक चीज बोलना चाहूंगा, इसके अंदर उन्होंने कोई भी धर्म के रिकॉर्डिंग नहीं दी कि ये मुस्लिम है इसको नहीं दूंगा, ये जाट है इसको नहीं दूंगा, ये ब्राह्मण है, सबका साथ सबके विकास की बात करी। और आप अगर परसेंटेज उठा करके देखेंगे तो सबसे ज्यादा लाभ भी हमारे मुस्लिम भाइयों ने उठाया, चाहे वो मकानों की योजनाएं हो, चाहे शौचालय की योजना हो, चाहे कुछ भी, क्योंकि देखो हमारे तो हम तो मेट्रो सिटी रहते हैं, हमें शौचालय की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन जो बहन बेटियों को हम न्यूज में सुनते हैं कि उनको तड़के निकलना पड़ता था जंगल में, उनको कितनी बड़ी सहूलियत प्रदान हुई है अगर उनसे पूछा जाए तो ये कार्य हैं। आज विश्व के अंदर चाहे बड़े बड़े विश्वगुरु जो हैं, पहले पाकिस्तान जैसा देश यहाँ बम फोड़ता था, आप गुवाहाटी चले जाओ, यूपी चले जाओ, कोई ऐसी स्टेट, कोई ऐसा होटल, कोई पिक्चर हॉल, कुछ भी नहीं था जहाँ बम विस्फोट नहीं होते थे। आज हमारे को सुनने को ही नहीं मिलता बम फट रहे, निष्पक्ष हो करके घूमते हैं, तो इसलिए भी मोदी को वोट नहीं देंगे क्या? आज वो पाकिस्तान जो हमारे यहाँ पे बम फेंकता था, आतंकवादी घटनाएं कराता था, आज उसकी औकात बिजली बम फोड़ने की नहीं छोड़ी मोदी सरकार ने, तो क्यों उसको वोट नहीं देंगे? आज वो कंगाल हो गया, आज वो आटे आटे को मोहताज हो गया है, आज उसके पास पहले क्या करता था, बम फेंकता था, हमारी सरकार है ओबामा करती है, अमेरिका भागती थी कि भैया इसको इसको, कि वो अमेरिका उसका साथ देता था, पैसा देता था। आज वही बाइडन मोदी से गले मिलने के लिए बेकरार है, उसके पढ़े लिखे सांसद ऑटोग्राफ के लिए भटक रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया का पीएम कहता है मोदी इज अ बॉस, अगर कायदे से देखोगे तो बॉस उसने अगर मोदी को मिला है, बोला है, तो ये 100 करोड़ की जनता ने मोदी को सीट पे बिठाया है ना, तो ये 100 करोड़ जनता का सम्मान हुआ, अकेले मोदी का सम्मान नहीं हुआ। हमारा दिल एक पैर छू रहा है, दूसरा पुतिन जैसा पावरफुल लीडर कह रहा है भारत को एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला है जो डंके की चोट पे फैसला लेता और किसी से नहीं डरता।